But I'll inshallah, I don't believe in resolutions. मुझे ऐसा लगता है कि बस सोच लो और फिर कर लो. तो मैं जनरली जो है ऐसा फील कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी जल्दी जल्दी फिल्में बनानी चाहिए. 2 नवंबर को बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान का जन्मदिन पूरे देश भर में मनाया जाता है. आपको बता दें, दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भी उन्हें विश करने के लिए खास लाइटिंग की गई थी और इस लाइटिंग के माध्यम से बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान लिखा गया था. वहीं शाहरुख भी अपने फैंस के असीमित प्यार के लिए हर साल अपने बर्थडे के दिन खुद अपने घर की छत से वहां खड़े लाखों फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं. इस साल किंग खान ने मुंबई के बांद्रा स्थित एक ऑडिटोरियम में भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जहां केक काटने के बाद शाहरुख खान ने वहां पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया. और इस दौरान शाहरुख ने ये भी बताया कि साल 2020 में उनकी एक फिल्म जरूर आने वाली है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी. लेकिन किंग खान ने अपनी आने वाली फिल्म के नाम को नहीं बताया और बादशाह एक्टर ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी कई फिल्में आए और वो कई अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाए. वेल, अपने फैंस के लिए शाहरुख हमेशा ही अपने प्यार को दिखाते रहते हैं, जिस कारण उनके फैंस भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं. इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं. बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें.